मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो लेट अस स्टार्ट. इट इज गिवन सब्ट्रैक्ट 3xy माइनस 2y फ्रॉम 16xy प्लस y. पहले तो फ्रॉम दिए तो फ्रॉम के पीछे वाला एक्सप्रेशन हम पहले लिखेंगे 16xy प्लस y, और उसमें से क्या माइनस करना है 3xy. xy वाला यहाँ पे, सो 3xy माइनस 2y. ये सिर्फ y है, इसका मतलब वहाँ पे कितने y होंगे, 1y, राइट. अभी हमें करना है माइनस. तो अगर मैं ये पूरे को माइनस दूँ तो क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस. हमें जब भी माइनस करे तो अगर यहाँ पे माइनस दिया है तो उसकी साइन चेंज करके नीचे लिखनी है. अभी ये 3 की साइन क्या है, माइनस, और ये 2 की साइन क्या है, प्लस हो गई. अंडरस्टूड? सो प्लस प्लस प्लस, तो दोनों का हमें करना है प्लस 3y. यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस. सो 16 में से 3 माइनस करे तो 13xy, दोनों में से बड़ा कौन है, 16, उसकी साइन क्या है, पॉजिटिव. सो दिस इज अवर आंसर. याद रखना है हमेशा हमें कि जब भी माइनस करना हो तो नीचे के जो भी एक्सप्रेशन आए उसकी साइन चेंज हमें कंपलसरी करनी है, राइट. लेट अस सॉल्व फ्यू मोर एग्जांपल्स. 13x² माइनस 2y² प्लस 5xy फ्रॉम 3x² प्लस 4xy माइनस 8y². इसमें से ये वाला एक्सप्रेशन हमें माइनस करना है, तो पहले फ्रॉम के पीछे वाला जो भी लिखा वो एक्सप्रेशन लिखते हैं. 3x² प्लस 4xy माइनस 8y², राइट. अभी इसमें से एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या है, ये, सो 13x² बाद में एक्स वाई वाला यहाँ पे, सो प्लस, इसकी साइन क्या है, ये प्लस है, इसकी साइन क्या है, माइनस, इसकी साइन यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है. सो प्लस 5xy एंड माइनस 2y². अभी हमें माइनस करना है तो क्या करेंगे, ये प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस. ये इतना याद रखना है. अभी माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 8 में से 2 माइनस करे तो 6y². अभी दोनों में से बड़ा कौन है, 8 बड़ा है, उसकी साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस. अभी प्लस माइनस माइनस, सो 5 में से 4 माइनस करे तो 1xy, दोनों में से बड़ा कौन, 5 की साइन तो यहाँ पे है माइनस, तो यहाँ पे माइनस. प्लस माइनस माइनस, 13 में से 3 माइनस करे तो 10x², 3 बड़ा 13 बड़ा 13 बड़ा, और 13 की साइन क्या है, माइनस, सो हियर वी विल पुट माइनस. सो माइनस 10x² माइनस xy यानी 1xy माइनस 6y². अंडरस्टूड? नाउ लेट अस सॉल्व फ्रॉम आवर एक्सरसाइजेस. लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 2, सो वील स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. इट इज गिवन, गिवन द पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स, ये ऐसे लिखा हो पी ब्रैकेट एक्स, उसको बोलेंगे पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दी है x raised to 4 माइनस 3x³ प्लस 6x² प्लस 3x माइनस 4. बाद में दूसरा भी दिया है q ऑफ x हमें क्या दिया है, x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस 2. एंड r ऑफ x भी दिया है, r ऑफ x इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 4. अभी फर्स्ट हमें क्वेश्चन क्या दिया है, हमें कुछ करना है p ऑफ x प्लस q ऑफ x.
यानी पी ऑफ एक्स की जगह पे कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, तो वो हम लिख लेते हैं एक्स रेस टू 4 माइनस 3 x³ प्लस 6 x² प्लस 3 x - 4, राइट। अभी क्यू ऑफ एक्स लेना है, क्यू ऑफ एक्स यानी हमें ये वैल्यू लेनी है, सो x³ प्लस है तो प्लस, सिर्फ x³ हो तो 1 x³ माइनस 4 x² प्लस एक्स है तो प्लस 1 x - 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो वहां पे हम डाल देंगे 0। ये दोनों को प्लस करने बोला है, पी ऑफ एक्स यानी ये है, क्यू ऑफ एक्स यानी ये है, दोनों को प्लस करना। अभी प्लस करना है तो साइन चेंज करनी होती नहीं है, माइनस माइनस प्लस, आंसर 6। दोनों में से बड़ा कौन है, 4, उसकी साइन है माइनस, सो माइनस, प्लस प्लस प्लस, 3 + 1 4x, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 माइनस करे तो 2x², दोनों में से बड़ा कौन है, 6, उसकी साइन है प्लस, सो प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 तो 2x³, दोनों में से बड़ा कौन है, 3, उसकी साइन माइनस, एंड बचा क्या, x^4। दिस इज अवर आंसर। सेकेंड टाइम दिया है पी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, एंड थर्ड टाइम दिया है क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, दैट यू हैव टू डू। नाउ लेट अस जंप टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सबट्रैक्ट करना है, इट इज रिटन सबट्रैक्ट, आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, 4x³ माइनस 11x प्लस 10 फ्रॉम 6x³ माइनस 2x² प्लस 8x, राइट। नाउ ये एक्सप्रेशन हमें दिया है, सो फ्रॉम लिखा है तो पहले तो पीछे वाला लिखना पड़ेगा, 6x³ माइनस 2x² प्लस 8x, डन। नाउ x³ वाला टर्म है हमारे पास 4x³। नाउ डायरेक्ट हमें एक्स वाला टर्म दिया है तो उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, तो -11x प्लस 10, ऊपर कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर नहीं है तो इसको जाने देंगे या नीचे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये प्लस 0 एंड हियर ऑल्सो प्लस 0। प्लस कभी भी यहाँ पे साइन चेंज करे तो भी माइनस होता नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव भी नहीं पॉजिटिव भी नहीं, ये प्लस है तो प्लस, अभी लिखने के लिए यहाँ पे माइनस कर देते हैं, माइनस है तो ये प्लस एंड प्लस है तो माइनस। नाउ 0 में से 10 माइनस करो तो वो तो -10 ही आएगा, प्लस 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 11 प्लस 8 दैट इज 19x, दोनों में से बड़ी साइन किसकी है, पॉजिटिव, प्लस, यहाँ पे तो -2x² ही आएगा बिकॉज 0 है, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 माइनस करे तो 2x³, बड़ा नंबर 6 है सो पॉजिटिव साइन, आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फिर से इसमें दिया है पी ऑफ एक्स, हमें दिया है कुछ 2x^4 - 3x³ माइनस x² प्लस 4x - 6। क्यू ऑफ एक्स दिया हमें x^4 - 2x³ प्लस 7x - 2, एंड आर ऑफ एक्स हमें दिया है x³ - x² प्लस 4। पहले हमें बोला है कि पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स करो, तो पहले तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेते, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम नहीं लिखा, फ्रॉम नहीं लिखा तो पीछे वाली वैल्यू नहीं लेनी, जो माइनस की डायरेक्ट साइन दी है तो जो आगे हमें वैल्यू लेने बोली है वही वैल्यू हम ले लेंगे, दैट इज 2x^4 - 3x³ माइनस x² प्लस 4x - 6। नाउ क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x^4 यानी 1x^4 माइनस 2x³ प्लस 7x, तो प्लस 7x - 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वहां पे 0, माइनस करने बोला है तो सभी की साइन चेंज, ये पॉजिटिव है तो माइनस, माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस एंड प्लस, डन। प्लस माइनस
माइनस, सो सिक्स में से टू माइनस करेंगे तो फोर, दोनों में से बड़ा कौन है सिक्स, उसकी साइन क्या है माइनस, सो योर माइनस फोर, प्लस माइनस माइनस, सेवन में से थ्री फोर माइनस, सो थ्री एक्स, बड़ा नंबर सेवन है उसकी साइन माइनस है, सो माइनस, यहाँ पे तो नीचे जीरो है तो माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा, माइनस प्लस माइनस, थ्री में से टू माइनस करे तो वन एक्स क्यूब, बड़ा कौन है थ्री, उसकी साइन माइनस, सो माइनस, प्लस माइनस माइनस, टू में से वन माइनस करे तो वन एक्स रेस टू फोर, और बड़ा कौन है टू, सो आंसर यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, अंडरस्टूड। वन मोर, इफ ऐसे दियो क्यू ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ एक्स, तो पहले तो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हम लेंगे एक्स रेस टू फोर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स माइनस टू, राइट। अभी यहाँ पे क्या वैल्यू दी है, एक्स रेस टू थ्री है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के नीचे लिखेंगे, सिर्फ वन दिया है, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं बाहर लिखूंगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो वो तो कॉन्स्टेंट के नीचे प्लस फोर, यहाँ पे खाली है तो ये जीरो एंड यहाँ पे भी जीरो, ये प्लस माइनस 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 एंड माइनस, सो यहाँ से करते हैं, जीरो है ऊपर तो प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, सो टू प्लस फोर सिक्स, बड़ा नंबर फोर है उसकी साइन माइनस है, माइनस जीरो है तो प्लस सेवन एक्स, माइनस माइनस प्लस, टू प्लस वन थ्री एक्स क्यूब, बड़ा नंबर टू है उसकी साइन माइनस एंड यहाँ पे तो एक्स रेस टू फोर, अंडरस्टूड, थैंक यू।